अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है बहुत ही दुखी वीडियो है, क्योंकि इस टाइम जिस इलाके में हूँ ये इस इलाके को इंद्रिया कहा जाता है और यहाँ पे एक मकान 90% डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से इन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये दिन भर बाहर रहे हैं, तो आपको वो पूरा मैं दिखाऊँगा क्या कहाँ कितना गया है। तो चलो आपको हम चलते हैं। तो ये आपको सामने इस टाइम हम एंटर होते हैं, तो ये देख लो यहाँ से हाल इस कमरे का कितना बुरा हाल हो चुका है। ये आज अर्थक्वेक की वजह से ये जो है देख सकते हो कितने इसमें क्रैक आ चुके हैं, और ये जो लकड़ी थी ये थी इधर, तो ये इसने इसी की वजह से ये बाहर गई और ईंटें बाहर आ चुकी हैं, और ये देख सकते हो कितनी क्रैक आ चुके हैं। और अफसोस की बात कहनी पड़ती है, हमारे बुनियार तहसील की तरफ से कोई पटवारी या कोई तहसीलदार कोई नहीं इधर पहुंचा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ये चूक है, क्योंकि अगर कुछ नुकसान होता है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। और स्पेशली बनियार SHO साहब से गुजारिश की जाती है कि इधर आके मौका करें तो इनके बारे में सोचा जाए। इस टाइम तो ये दिन था तो दिन को इनने गुजारा कर लिया, नाइट में तो ये कहाँ गुजारा करेंगे। ये इलाका जो है ये चारों तरफ से जंगल इलाका है और बीच में ये छोटा सा गाँव है, इसमें जान माल का दिन को खतरा रहता है, रात की बात ही नहीं है। तो आपको मैं अब इस जो ये इस मकान का मालिक उनके साथ भी बात करा के दिखाऊंगा उनका क्या। सो फ्रेंड्स, इस टाइम ये हमारे साथ हैं, तो अब इनसे पूछते हैं इनका हाल। तो पहले हम इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर कुछ हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, बच्चे छोटे हैं, इधर रात को रीछ का भी खतरा है, दिन को हो गया हम बाहर थे, रात को हमको इसमें गुजारा नहीं है हमारा। आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या गुजारिश करते हो? गुजारिश करते हैं कुछ हेल्प करें मेरे साथ। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि जितना हो सके छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ये आपको छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, ये बच्चों को पढ़ाएं और खिलाएं कि मकान आप नहीं सजाएं। कुछ टाइम हो गया, ये सामने से देखो छोटी छोटी ये इनके बच्चे, और ये देख लो ये तीनों को चार इनको पांच बच्चे हैं, और पांच बच्चों का गुजारा आज के दौर में कितना मुश्किल है। तो ये आपके सामने है इनका हाल, ये पूरा मकान डैमेज हो चुका है, अभी इस मकान को बनाए हुए 3 ही साल हुए, आज अर्थक्वेक की वजह से इतना नुकसान हुआ कोई कहने की बात ही नहीं है। और ये कोई मुलाजिम नहीं है, ये एक गरीब तबके से मजदूर तबके से हैं। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है, हाथ जोड़ के गुजारिश की जाती है कि इसके ऊपर कदम उठाया जाए, इनको कुछ ना कुछ मदद की जाए, क्योंकि ये बहुत ही गरीब हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।